मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन मध्य प्रदेश की शुरुआत हो चुकी है, और मध्य प्रदेश में जहाँ तक आईटीआई का सवाल है, यहाँ पर कई नवाचार हो रहे हैं। इन नवाचारों की कमान संभाल रखी है मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री दीपक जोशी जी ने। दीपक जी, काफ़ी जो बदलाव है आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी भी है। कहाँ कमी है और उसको कैसे आप दूर करेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण के साथ ही प्रधानमंत्री जी ने भारत के सबसे युवा देश होने के साथ अपेक्षा की कि शायद भारत को वो वर्कफोर्स नहीं मिल पा रहा जो भारत के पास उपलब्ध है। वर्कफोर्स तो है लेकिन वो स्किल नहीं है। स्किल होने के साथ उनकी जो तीन नारे जिसमें उन्होंने कहा स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन तीनों का पर्याय अगर हम मान लें तो सबसे पहले अगर कोई विभाग इस काम को बहुत आसानी से कर सकता तो वो हमारा तकनीकी शिक्षा विभाग है। और तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ कौशल विभाग जो हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव योजना रही, 2011 में ही हमने तो कौशल शुरू कर दिया था। उस कौशल विभाग के माध्यम से उन्होंने कहा था कि हम बच्चों को कौशल से या हुनर से मजबूत करें, चूँकि आईटीआई सबसे पहली पाठशाला होती है कौशल से जुड़ने के लिए। अभी हमारे पास करीब 900 के आसपास आईटीआई हैं, जिनमें 225-221 हमारे सरकारी आईटीआई हैं, बाकी 700 के आसपास प्राइवेट आईटीआई हैं। सबसे पहले हमने तय किया कि हमारे बच्चों को क्या क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है आईटीआई के माध्यम से। हमने इनकी चेकिंग करवाई, चेकिंग के माध्यम से प्रत्येक संभाग वाइज हमने टीमें बनाई, टीम के माध्यम से लगभग 59 आईटीआई का पहले और बाद में 30-40 आईटीआई का फिर आया कि आईटीआई के लायक नहीं है। हमने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा। माननीय राजीव प्रताप रूड़ी जी जब इंदौर आए तब उन्होंने कहा कि हम इस पर अतिशीघ्र कार्य करने वाले, ऐसे दृष्टिकोण में जो आईटीआई ठीक से काम नहीं करते उनको बंद करने का निर्णय बहुत जल्दी होने वाला है। साथ में हमारे पास पीपीपी मोड के आईटीआई हैं जिनको 2007 में केंद्र सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए का 2.5 करोड़ का लोन दिया गया था बिना ब्याज के। वो इसलिए दिया गया था कि आईटीआई को आप तकनीकी के नए आयाम में से जोड़ें। लेकिन देखने में आया कि कहीं ना कहीं जो हमारी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी जिसे हम कहते हैं आईएमसी, उनके चेयरमैनों द्वारा या प्रिंसिपलों के संवाद संपर्क के अभाव में या अन्य कारणों से उन आईटीआई में पैसे का उपयोग ही नहीं हुआ। अब ऐसे दृष्टिकोण में हमारे पास उपयोग भी हुआ सर? नहीं, उपयोग ही नहीं हुआ, कुछ जगह दुरुपयोग भी हुआ। दुरुपयोग के कारण हमने एक प्रिंसिपल को और एक आईएमसी चेयरमैन को हटाया भी, अभी निर्णय भी लिया, प्रिंसिपल को हमने सस्पेंड किया, निलंबित किया। साथ में देखने में आया कि जो चीज़ वहाँ पर होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, वो सेटअप नहीं था। खास करके बच्चों को पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, उनके विद्यालय परिसर की स्थिति, यही ठीक हम नहीं कर पा रहे तो कैसे ठीक चलेगा। इसलिए मैंने अभी आईएमसी मैनेजरों की एक वर्कशॉप बुलाई थी और उसमें उनको निर्देशित भी किया कि आप शीघ्र अतिशीघ्र भारत सरकार के इस पैसे का सदुपयोग करते हुए इन 74 आईटीआई को कम से कम उत्कृष्ट आईटीआई के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करें और कोशिश ये करें कि बच्चों को टेट के अनुरूप हम काम दे सकें। नहीं तो किसी पीटे टेट चले आ रहे सालों से, अब उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो प्रचलन में चले आ रहे हैं, चूँकि मशीन उसी की है इसलिए बच्चों को एडमिशन भी उसमें लेना पड़ रहा है। तो अभी हमने कुछ सेक्टर्स चिन्हित किए हैं, जैसे सिंगरौली में थर्मल सेक्टर, मंसूर नीमच और हमारा इधर देख ले तो सतना रीवा साइड सीमेंट से जुड़ा हुआ सेक्टर, इंदौर और भोपाल को देख लें तो टेक्सटाइल का सेक्टर, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, कुछ फार्मेसी के सेक्टर, ये सेक्टर हमने चयन किए जो बच्चों को इस चीज़ के लोगों को युवाओं की ज़रूरत है। लेकिन देखने में आया कि इन फैक्ट्रियों में जहाँ भी हम जाते हैं उनको लगता है कि मध्य प्रदेश से बाहर के लेबर ही वहाँ पर आती है। तो ऐसे दृष्टिकोण में मध्य प्रदेश के बच्चे क्या वहाँ काम कर सकते, इसके लिए दो हमने निर्णय किए, तो इनसे जुड़े हम कोर्स शुरू करेंगे। दूसरा, माननीय राजीव प्रताप रूड़ी जी ने एक बैठक ली थी जिसमें कुछ राज्यों के कौशल विभाग के मंत्रियों ने बताया था कि हमने एक अनुबंध किया है फैक्ट्रियों के साथ, जिसमें कोई बड़ी फैक्ट्री है जैसे आयशर है, आयशर कंपनी हमारा सेटअप या तो हमारे आईटीआई में लगा दे या फिर वो अपनी फैक्ट्री परिसर में लगा दें, हम बच्चों को भेजेंगे, ट्रेनिंग देंगे, आयशर को जितनी ज़रूरत होगी उतने बच्चे वहाँ जॉब में लगेंगे और उसके बाद आगे की कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो वो करने की कोशिश करेंगे। तो एक अभिनव प्रयोग की शुरुआत के साथ हम 2017 का जो साल है उसको मध्य प्रदेश के कौशल से जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप कौशल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में लगभग 7.25 लोगों को हम रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियर, हमारे कौशल विभाग, एनएसडीसी और हमारी अन्य संस्थाओं के माध्यम से होंगे और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले साल में मध्य प्रदेश कौशल से भी कहीं ना कहीं
अलग रूप में पहचाना जाएगा। एक सवाल और पैदा होता है सर, आईटीआई की डिग्री जो है पिछले वर्षों की हम तुलना करें तो कहीं ना कहीं एक निष्क्रिय डिग्री टाइप की हो गई थी, लेकिन मशीन उसमें अब नई नहीं आई थी, आप कह रहे हैं उसको जरूर जल्दी लाया जाएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो अनुदान आप देते हैं, जो पैसा आप देते हैं, उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोगों को क्या चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी वर्षा में हमने उनसे कह दिया कि आप 3 महीने की योजना बनाएं, मार्च तक बजट खत्म होने वाला, उससे पहले आप योजना दे दें, योजना का क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो हम दूसरे कदम उठाएंगे। और मैं कह सकता हूं कि हम नए नए मशीनों के साथ, नए नए लैब के साथ बच्चों को नए प्रयोग भी देंगे। इसके अलावा जो एक बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह हुआ है कि हमारे बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जो 8वीं पास करने के बाद 10वीं पास करने के बाद होते हैं। अब बच्चा हमारा मैकेनिक है, गाड़ी चलाना जानता है, लेकिन हमारा कोर्स का सर्टिफिकेट भी किया हुआ है, लेकिन 8वीं पास है, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में अब 10वीं पास माना जाता है। अब वो 8वीं पास है, सर्टिफिकेट है, लेकिन उसको चूँकि 10वीं पास नहीं, इसलिए उसको नौकरी की पात्रता नहीं है। तो इसे मुख्यमंत्री जी ने अब कह दिया है कि बोर्ड से, हमने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से ये बात भी कर ली है कि अगर 8वीं पास करके 2 वर्ष का कोर्स हमारे यहाँ किया तो उसे 10वीं के समकक्ष माना जाएगा, 10वीं पास करके अगर 2 वर्ष का कोर्स किया तो उसे 12वीं के समकक्ष माना जाएगा। और ये पूर्व बहुत से राज्यों में प्रचलन में, और मध्य प्रदेश में भी प्रचलन में आ जाएगा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर मंत्री जी ने कही है कि 2 डिग्री एक साथ यहाँ पर हासिल कर सकता है जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र मध्य प्रदेश की आईटीआई के साथ आगे बढ़ेगा, उसे पाठ्यक्रम की चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर यहाँ पर स्किल्स डेवलप की जाएगी, उसकी नौकरी की व्यवस्था की जाएगी, और कहीं ना कहीं डिजिटल मध्य प्रदेश के साथ साथ मेक इन मध्य प्रदेश का नारा भी यहाँ पर बुलंद होता नज़र आ रहा है। कैमरामैन आशु खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।